भारत ने चीनी निर्यात के मामले में पिछले 8 सालों में नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगुना करने और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के आश्वासन का असर दिखने लगा है। वहीं पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में चीनी एवं चीनी उत्पादकों के निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल मई 2013 में चीनी एवं चीनी उत्पादों का निर्यात जहाँ 840 करोड़ रुपए का हुआ था, वहीं अप्रैल मई 2022 में ये बढ़कर 11,370 करोड़ रुपए हो गया है। यानी इन 8 सालों में बता दें 1,253% वृद्धि देखने को मिली है। इससे जहां देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, वहीं किसानों को भी इसका लाभ मिला है और उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के मुताबिक भारत ने सितंबर में समाप्त मार्केट ईयर 2021-22 में मई तक 46 लाख टन चीनी के निर्यात के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। भारत ने विपणन वर्ष 2020-21 में कुल 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया था, जबकि इस अवधि में घरेलू उत्पादन 3,11,9 करोड़ टन का था। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी के निर्यात में 65% उछाल दर्ज की गई है। ये वृद्धि उच्च माल भाड़ा बढ़ोतरी, कंटेनरों की कमी आदि के रूप में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों के बावजूद अर्जित की गई। वहीं मोदी सरकार की नीतियां किसान को वैश्विक बाजार का दोहन करने के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने में सहायता कर रही है। भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत निरंतर चीनी का अधिशेष उत्पादन करता रहा है और आराम से घरेलू आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है। रिकॉर्ड निर्यात चीनी उत्पादकों को उनके भंडार में कमी लाने में सक्षम बनाएगा तथा गन्ना किसानों को भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि भारतीय चीनी की बढ़ी हुई मांग से उनकी प्राप्ति में सुधार आने की उम्मीद है। कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि को देश के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण ये रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं भारत ने सितंबर में समाप्त मार्केट ईयर 2021-22 में मई तक 86 लाख टन चीनी के निर्यात के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। वहीं भारत में मार्केट ईयर 2020-21 में कुल 7 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था, जबकि इसी अवधि में घरेलू उत्पादन 31.19 मिलियन टन था। पिछले महीने सरकार ने पर्याप्त मात्रा में चीनी की घरेलू आपूर्ति की बात कही थी। वहीं त्योहारी सीजन में चीनी की खुदरा कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात को सीमित कर दिया। वहीं आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 9.4 से 9.5 मिलियन टन चीनी के निर्यात का करार किया गया है। इसमें से करीब 8.6 मिलियन टन मई 2022 के अंत तक निर्यात की गई है। मैं बता दें कि चालू मार्केटिंग ईयर की अक्टूबर अप्रैल अवधि के दौरान घरेलू बाजार में करीब 16 मिलियन टन चीनी की बिक्री होने का अनुमान है, जो एक साल पहले की अवधि में 15.26 मिलियन टन से 7,50,000 टन से ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने जून तक जारी घरेलू चीनी बिक्री कोटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5,50,000 टन से ज्यादा कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि चालू मार्केटिंग ईयर में घरेलू चीनी खपत 27.5 मिलियन टन होगी, जबकि पिछले वर्ष में ये 26.55 मिलियन टन थी। इस्मा के अनुसार चालू मार्केटिंग ईयर में 6 जून तक घरेलू चीनी उत्पादन 35.23 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 30.74 मिलियन टन था। पिछले महीने सरकार ने पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और अक्टूबर नवंबर के त्योहारी सत्र के दौरान खुदरा कीमतों पर अंकुश रखने के लिए चीनी के निर्यात को 1 करोड़ टन पर सीमित कर दिया था। हालांकि सहकारी समितियों ने निर्यात सीमा को 10 लाख टन और बढ़ाए जाने की मांग की। भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार ये बताया गया कि अब तक लगभग 94 से 95 लाख टन चीनी का निर्यात अनुबंध किया जा चुका है, उसमें से लगभग 86 लाख टन चीनी का मई 2022 के अंत तक निर्यात किए जाने की सूचना है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने इंडोनेशिया को 770 मिलियन टन के बराबर का चीनी निर्यात किया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने 561 मिलियन डॉलर, सूडान ने 530 मिलियन डॉलर तथा संयुक्त अरब अमीरात ने 270 मिलियन डॉलर का स्थान रहा है। वहीं भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि देश में भी चीनी का निर्यात किया। भारतीय चीनी का आयात अमेरिका, सिंगापुर, ओमान, कतर, टर्की, ईरान, सीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, इजराइल, रूस, मिश्र आदि देशों में भी किया गया है। चालू विपणन वर्ष की अक्टूबर अप्रैल अवधि के दौरान घरेलू बाजार में लगभग 1.6 करोड़ टन चीनी की बिक्री होने का अनुमान है, जो एक साल पहले की अवधि के बता दें कि 52.6 लाख टन से 7,50,000 टन अधिक है। इसके अलावा सरकार द्वारा जून तक जारी घरेलू चीनी बिक्री कोटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5,50,000 टन अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए इस्मा का अनुमान है कि चालू विपणन वर्ष में घरेलू चीनी खपत 2.75 करोड़
करोड़ टन की होगी, जबकि पिछले वर्ष ये खपत 2.65 करोड़ टन की हुई थी। इस्मा के अनुसार चालू विपणन वर्ष में 6 जून तक घरेलू चीनी उत्पादन 3,523,00,000 टन तक पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले ही की अवधि में ये 3,07,04,00,000 टन था। इस्मा ने एथेनॉल के लिए 34,00,000 टन गन्ना शीरा की खपत का ध्यान में रखकर विपणन वर्ष 2021-22 के लिए अपने अखिल भारतीय चीनी उत्पादन अनुमान को संशोधित कर 3.6 करोड़ टन कर दिया है। सितंबर के अंत में चीनी का पिछले सत्र का बचा स्टॉक लगभग बता दे कि 65,00,000 टन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जो 3 महीने की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त होता है। वहीं राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल लिमिटेड महासंघ के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा चीनी सत्र के बाकी बचे हुए समय में 4-5 लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। देश के बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 30 मई तक 1.368 करोड़ टन रहा, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 1.063 करोड़ टन का उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80% की हिस्सेदारी है। देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब शामिल है। गन्ने का रकबा और बेहतर रिकवरी के कारण देश में इस बार चीनी का उत्पादन बढ़ा है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में इस साल अब तक चीनी का 132.6 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन हो चुका है, जबकि अब भी राज्य में पेराई चालू है। इस माह के मुताबिक महाराष्ट्र में 30 अप्रैल 2022 तक चीनी का उत्पादन 132.06 लाख टन था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 105.63 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ था। इस साल उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 26.4 लाख टन अधिक है। वहीं गन्ना एक जल गहन फसल है, जिसे एक बड़ी जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है और महाराष्ट्र के किसान इसे वर्षा जलाशयों के नहरों के नेटवर्क तथा भूजल से उचित रूप से पर्याप्त कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में पर्याप्त वर्षा जल प्राप्त हो रहा है। वहीं पर्याप्त वर्षा के कारण भूजल और अन्य जलाशय जल से भर गए हैं। जल के ये स्रोत कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गन्ना उत्पादन का रकबा 11.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.4 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार महाराष्ट्र ने वर्ष 2021-22 में गन्ने के रकबे में वृद्धि का लाभ उठाया। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम रहा है। एक साल पहले के 1.101 करोड़ टन की तुलना में इस बार उत्तर प्रदेश में 1.022 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ है। कर्नाटक में हालांकि चीनी का उत्पादन बढ़कर 59.2 करोड़ टन पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल 30 मई तक ये बता दें कि 42.5 लाख टन चीनी पैदा हुई थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल के उत्पादन में संलिप्त हो गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021-22 में गन्ने से 12.60 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए प्रेरित किया गया है, जबकि 2020-21 में 7.19 लाख टन और 2019-20 में 4.81 लाख टन तथा 2018-19 में 0.31 लाख टन चीनी का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही अत्यधिक वर्षा के साथ जलभराव की समस्या से उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्र में अधिकांश भूमि में गन्ने की एक ही किस्म की फसल उगाई जाती है। ये गन्ने की उच्च उपज वाली किस्म नहीं है। गन्ने की फसल पर रेड रॉट ककफ रोग का प्रतिकूल प्रभाव उत्तर प्रदेश में गन्ने उत्पादन में गिरावट का एक गंभीर कारण है। वहीं भविष्य में एथेनॉल बनाने पर चीनी मिलें ज़्यादा जोर देंगी। इसके पीछे के कारण है कि केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर सब्सिडी बंद करने जा रही है। इसकी प्रमुख वजह देश में चीनी का अधिक उत्पादन और खपत कम है, इसलिए सरप्लस चीनी की जगह एथेनॉल का उत्पादन कर फ्यूल में इस्तेमाल किया जाएगा। एथेनॉल के पेट्रोलियम पदार्थों में मिश्रण करने से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित करने से विदेशों से आने वाले कच्चे तेल की मांग कम हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से देश में चीनी का उत्पादन खपत से बहुत ज़्यादा हुआ है, इस कारण चीनी की खपत में इजाफा नहीं हो पा रहा है। चीनी मिलें लागत से कम भाव पर चीनी को बाजार में बेचने पर मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से इसके विक्रय मूल्य में कमी आती है। वहीं निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का गुणवत्तापूर्ण प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने उत्पादों तथा निर्यातकों की एक व्याप्त श्रृंखला को जांच की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत भर में 220 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की है। वहीं एपीडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी का आयोजन करता है, जो निर्यातकों को वैश्विक बाजार में उनके खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। एपीडा कृषि उत्पादकों का बढ़ावा देने के लिए आहार जैविक विश्व कांग्रेस और बायोफेज इंडिया आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। वर्ष 2019 में एपीडा ने रोड शो का आयोजन करने के लिए इंडोनेशिया में निर्यातकों का एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और संबंधी प्राधिकारियों के साथ बैठक आयोजित भी की। इसके बाद इंडोनेशिया
को होने वाले निर्यात में तेजी आई तथा आज वे भारत से चीनी के सबसे बड़े आयातक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।